Namaste friends, welcome back again to our channel Hamari Frustration, and in this video I'm going to talk about letter writing. See, letter writing ki jo aapki word limit hai, that is about 100 to 150 words, wo aapko mention hoga aapke question mein. Ab uske baad jab aap letter likhte hain to aapka jo format hai that carries one mark, aapka jo sender address hai, date hai, receiver's address hai, subject, heading, salutation, complimentary clause, so that content is about 4 marks. And aapke expressions, aap kaise jo grammar hai usme use kar rahe hai, appropriate words use kar rahe hai, spellings use kar rahe hai, that carries 3 marks. So is particular video mein hum baat karenge kuch expressions ke bare mein jinhe aap use kar sakte apni letter writing mein. And I guarantee you, if you use these expressions in your letter writing, it will benefit you a lot. Plus it will give you an extra advantage to take full marks in letter writing. So now we will see expressions. In these expressions, we have talked about starting lines. How you can write the middle jo hai, likh sakte hai, letter, how you can write the content, and ending lines. Ki. See, this thing has a lot of impact jo hai, carry karti hai, ki aap kaisi starting, jo hai, likh rahe hai, aap kaisi ending likh rahe hai, प्लस आपके कंटेंट में अगर आप फर्स्ट लाइंस जो है आप अच्छी लिख रहे हैं और बेसिकली उसके बाद तो आपको क्या लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है आप वही चीज लिखेंगे तो आई विल एडवाइज यू टू यूज दीस लाइंस इन योर लेटर राइटिंग जो आपकी लेटर को और अच्छा बनाएगी तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं सी फर्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आप एड्रेस लिखिए उसके बाद आप डेट लिखिए एक लाइन लीव कीजिए उसके बाद लिखिए द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली और अगर आपको चंडीगढ़ दिया है ट्रिब्यून चंडीगढ़ फिर एक लाइन लीव करिए और सब्जेक्ट लिखिए और जो आप सब्जेक्ट लिखें उसे कॉलन्स में जो है लिखिए कॉलन्स डालने के बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए और प्लस उसे बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प लिखिए ताकि जो आपका लेटर पढ़ रहा है उसे समझ आ जाए कि आपको जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था उससे आपको क्या समझ आया है अब ये कुछ एक्सप्रेशंस हमने यहाँ मेंशन किया है अगर आपका मन करे तो आप यूज़ कीजिए अदरवाइज आप अपने एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं बट दीज एक्सप्रेशंस आर टेकन और दीज एक्सप्रेशंस आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और दीज आर फ्रेम्ड वेरी केयरफुली सो दैट आपको ये हेल्प करे ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें तो देखिए आप स्टार्टिंग लाइंस में क्या इंक्लूड कर सकते हैं आप जब स्टार्ट करेंगे अपनी लेटर आफ्टर राइटिंग रिस्पेक्टेड सर और मैडम व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ मैंशन कर दीजिए या फिर आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एट द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ नाउ डिप्लोरेबल इज वेरी सैड कंडीशन आप ये वर्ड लिख सकते हैं वहाँ पे थर्ड आप क्या लिख सकते हैं एडिटर को आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट या एक्सप्रेस माई कंसर्न जो भी क्वेश्चन में दिया है टॉपिक उसको यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं सी अगर आप इन्हें यूज करेंगे आपको कितनी हेल्प मिलेगी फोर्थ I am an ardent reader of your newspaper. मैं आपका newspaper रोज पढ़ता हूँ and I would like to draw your attention at the alarming increase of, say for example, noise pollution, water pollution or whatever topic or whatever thing is being given in the question. Fifth, I would like to throw light at. या sixth, using your newspaper as a medium, I would like or wish to throw light on the exponential rise in the number of in the number of population, in the number of whatever is, whatever topic या कोई भी problem जो आपको mention की गई है question में आप लिख सकते हैं यहाँ पे see अगर आप इन्हें use करेंगे तो आप easily letter को frame कर सकते हैं बिना कुछ सोचे क्योंकि आपको ये first line आपको मिल गई आपको ऊपर question दिया है आपने वह include कर दिया अब देखिए middle lines में आप क्या लिख सकते हैं Say for example, अगर कोई residents है किसी society के वो problem face कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं the residents are facing many problems regarding dash dash जो भी question में दिया है Second, various complaints have been filed but all our requests went deaf ear or went futile or went in vain मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ Third, the main reason behind the problem is and fourth, the most important annoying or irritating thing is And fifth,
आर कंट्री नीड्स अ रिमाइंडर अबाउट दिस प्रॉब्लम. सी, आपको जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन में दी जाएगी, आप बस ये स्टार्टिंग लीजिए और वो प्रॉब्लम लिख दीजिए. नाउ अब आपको कंक्लूड कैसे करना है, आप जो एंडिंग लाइंस हैं उसमें क्या लिख सकते हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू, जो इशू क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ मेंशन हो गया. सेकंड, आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टेक क्विक एक्शंस और स्टर्न एक्शंस. स्टर्न एक्शन इज स्ट्रिक्ट एक्शंस, STERN. Then third is, I hope you publish this letter of mine so that it becomes as an eye-opener for all. Or you can also write, I hope or expect that my letter would find a suitable place in your esteemed newspaper or in your newspaper. See, if you use these expressions, I guarantee you, you'll be scoring full marks in your letter writing. I hope this video was helpful to you. And please do like our channel, subscribe and share this video. Thank you so much for watching the video.